YouTube शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है। जैसे आप YouTube शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं तो आप इस समय YouTube शॉर्ट्स वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा, आप भी अपना YouTube शॉर्ट्स वीडियो बना करके अपने YouTube चैनल को बूस्ट कर सकते हैं। जो भी बहुत सारे YouTube क्रिएटर्स हैं जो भी शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं उनको सही तरीका नहीं पता YouTube शॉर्ट्स वीडियो बनाने का। कहीं आप YouTube शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं तो आपका, जैसे उन्होंने YouTube शॉर्ट्स वीडियो बनाया तो चला जाता है नॉर्मल में, अगर नॉर्मल से बनाते हैं तो शॉर्ट्स में चला आता है, तो उनको सही तरीका नहीं पता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे YouTube शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है। अगर आपने वीडियो बनाई, अगर आप कन्फ्यूज हैं कि आपकी वीडियो YouTube शॉर्ट्स में गई या नहीं गई, तो आज का वो सारा डाउट क्लियर होने वाला है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ YouTube शॉर्ट्स वीडियो को अपलोड करने का सही तरीका क्या है। आप यकीन मानिए, मैं आपसे वादा करता हूँ, आपने अगर ये वीडियो पूरी तरीके अच्छी तरीके से देख लिया तो आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए, मैं YouTube चैनल टेक्निकल राजेश में आपका दोस्तों बहुत बहुत स्वागत, मैं राजेश कुमार मौर्य। और दोस्तों आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। और हाँ दोस्तों, ये आपका अपना YouTube चैनल, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगर कोई भी वीडियो बनाए तो उसका जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल सके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस का आइकन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, सिंपल से प्लस के आइकन पे क्लिक कर लेना होगा। अब यहाँ पे क्रिएट ए शॉर्ट, आप देख सकते हैं क्रिएट ए शॉर्ट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्रिएट ए शॉर्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा। यहाँ पे अब आपको यहाँ पे क्या करना, अगर कोई वीडियो बनानी है तो आपको ध्यान रहे जो भी वीडियो बनेगी एकदम सीधा मोबाइल होना चाहिए, टेढ़ा मोबाइल नहीं होना चाहिए। अगर टेढ़ा मोबाइल होगा तो आपका शॉर्ट्स में नहीं जाएगा। सीधे मोबाइल से जो भी वीडियो बनानी, सीधे मोबाइल से आपको रिकॉर्ड करनी, जैसे हम ये वीडियो है, हम यहाँ पे रिकॉर्ड करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देख सकते हैं रेड कलर के आइकन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करके आप ये देख सकते हैं आपकी वीडियो रिकॉर्ड होगी। रिकॉर्ड कैसे पता करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं रेड आपका ये भरता हुआ चला जा रहा है, मतलब आपकी वीडियो रिकॉर्ड होती चली जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी फुल वीडियो रिकॉर्ड होने देते हैं। वहाँ तो आप चाहते हैं इसमें म्यूजिक ऐड करना, तो यहाँ से आप म्यूजिक पे क्लिक करके आप कोई भी म्यूजिक यहाँ से देख सकते हैं, यूट्यूब ने इतनी सारी म्यूजिक दे रखी है, आप कोई भी म्यूजिक यहाँ से आप लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम म्यूजिक लगाना बताते हैं आपको म्यूजिक कैसे लगाना होगा। यहाँ पे लुट गए हैं तो लुट गए पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं यहाँ म्यूजिक, इस पर क्लिक करेंगे। अब ये म्यूजिक को आगे से यहाँ प्रोसेस पे देख सकते हैं एरो का निशान है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये म्यूजिक आपकी लग गई है। अब आप चाहें उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एडजस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं अपने म्यूजिक को आप एडजस्ट कर सकते हैं, कहाँ से आप अपने म्यूजिक को लगाना चाहते हैं। जैसे यहाँ से हम लगाना चाह रहे हैं तो हमने यहाँ से एडजस्ट कर लेना है, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ से लाइन वो शुरू हो रही है जिस लाइन पे आपने एक्टिंग की है, तो आप वहाँ से लगा करके आपको यहाँ से डन कर लेना होगा। डन करने बाद आप चाहते हैं अपने इसमें जो वीडियो में कुछ टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं राजेश, देख सकते हैं राजेश हमने लिखा, ये लिख गया राजेश। अगर आप चाहते हैं इसको कलर चेंज करना, ऊपर इतने सारे कलर दे रखे हैं, आप कोई भी कलर यहाँ से आप लगा करके इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल से डन कर लेना होगा। डन करने के बाद आप यहाँ पे पूरे ऑप्शन होंगे, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर नेक्स्ट का ऑप्शन होगा, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा। जैसे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे देखेंगे क्रिएट ए टाइटल, टाइटल पे आपको क्रिएट ए टाइटल यहाँ पे लिख देना होगा, जो भी जिस विषय पे वीडियो है या जिस पे गाने पे वीडियो, से हमने यहाँ पे सॉन्ग लगाया था लुट गए, टाइटल लिख देना लुट गए सॉन्ग। ठीक, अब सबसे खास बात, अगर शॉर्ट्स वीडियो बना रहे हैं तो आपको हैशटैग लगा करके शॉर्ट्स लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये लिख देंगे तो 100% आपकी वीडियो शॉर्ट में जाएगी। ठीक, यहाँ देखें 14 सेकंड की वीडियो ये बन गई, 14 से 15 सेकंड की वीडियो बना सकते हैं। पब्लिक सेलेक्ट ऑडियंस, यहाँ पे आप ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप ये देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपल से पब्लिक पे क्लिक करके अपलोड कर देना होगा। ठीक है, यहाँ से अपलोड कर देंगे, जैसे हमने ये वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि 15 सेकंड से ऊपर की वीडियो बनाना, मतलब 30 सेकंड या 15 सेकंड से वीडियो ऊपर बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, वीडियो को अपनी वीडियो को आपको शूट कर लेना होगा। जैसे कोई भी वीडियो अगर 30 सेकंड की 14 सेकंड की वीडियो तो आपको शॉर्ट में ही मिल जाती है, उससे ऊपर मान चलिए 1 मिनट से कम होनी चाहिए, 61 सेकंड की, तब भी शॉर्ट में चली जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना, एक वीडियो पहले अपने कैमरे से शूट कर लेनी होगी, मान चलिए 61 सेकंड या 58 सेकंड या 40 सेकंड 50 सेकंड की जितनी भी बड़ी आप वीडियो एक कैमरे से अपनी शूट कर लेंगे। शूट करने बाद आपको क्या करना होगा, कैमरे से शूट करने बाद अगर कुछ वीडियो में एडिटिंग करना है तो उसके लिए आपको काइन मास्टर ऐप पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखेंगे
प्लस के आइकन पे क्लिक करना होगा। अब 16:9 वाला रेशियो आपको यहाँ पे नहीं लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना, 16:9 वाला रेशियो नहीं लेना है, 9:16 वाला रेशियो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि आप सीधे में वीडियो बना रहे हैं। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, सीधे में वीडियो बना रहे तभी शॉर्ट में जाएगी, अगर 16:9 वाला रेशियो ले लेंगे शॉर्ट में बहुत कम चांसेस है। 9 और 16 वाला रेशियो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आपको वीडियो सेलेक्ट करके यहाँ से वीडियो को एडिट कर लेना होगा। आपको ध्यान, ये बहुत ध्यान देना होगा, प्लस के आइकन पे क्लिक करके 9 और 16 वाला रेशियो ही लेना है आपको। उसके बाद जब वीडियो एडिट कर देंगे, फिर से आपको क्या करना है, मान चलिए 40 सेकंड की वीडियो थी, तो आपको यूट्यूब पे क्लिक करना होगा। यूट्यूब पे क्लिक करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे अपलोड ए वीडियो का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको अपलोड ए वीडियो पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी वीडियो आप शॉर्ट वाली वीडियो आपने बनाई, जैसे हमने यहाँ देख सकते हैं हमने ये 41 सेकंड की वीडियो है। अब क्रिएट एंड शॉर्ट से डायरेक्ट आप 41 सेकंड की वीडियो नहीं अपलोड कर सकते हैं, अगर शॉर्ट वीडियो अपलोड करना तो आपको अपलोड ए वीडियो पे क्लिक करके आपको यहाँ 41 सेकंड की वीडियो ले लेनी है। अब देख सकते हैं हमने 41 सेकंड वीडियो ले ली, यहाँ से हमने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे क्रिएट एंड टाइटल, जो आपने वीडियो में बताया है उसके विषय में डाउनलोड करने से फेसबुक में डार्क मोड कैसे इनेबल करें, हैशटैग जरूर लगाना, जैसे हैशटैग हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं शॉर्ट्स, ठीक। उसके बाद आपको फिर से हैशटैग लिखना है, हैशटैग शॉर्ट्स वीडियो, ये ध्यान रखना चाहिए, हैशटैग शॉर्ट्स प्लस हैशटैग शॉर्ट्स वीडियो, बिल्कुल हैशटैग लगाने का मतलब ये है कि पास में होना चाहिए। यहाँ पे हमने ये थोड़ा दूर हो गया, पास में करते हैं शॉर्ट्स, ठीक। ये देख सकते हैं हैशटैग शॉर्ट्स वीडियो, ये आपको यहाँ पे टाइटल हो गया। ऐसे आपको टाइटल बनाना, पब्लिक कर देना, उसके बाद वीडियो को अपलोड कर देना होगा यहाँ से। जब आप वीडियो को यहाँ से अपलोड कर देंगे, ये आपका काम हो गया। 41 सेकंड की वीडियो थी, शॉर्ट में ही जाएगी, ये 100% है। आपको यहाँ पे ये पूरा डाउट क्लियर हो गया कि शॉर्ट में ही वीडियो जाएगी आपकी ये, क्योंकि आपने काइनमास्टर से एडिट किया है सीधी वीडियो, अब यहाँ पे अपलोड हो गई वीडियो। अपलोड होने के बाद आपको क्या करना, सिंपल से YouTube स्टूडियो पे चले जाना। YouTube स्टूडियो पे आप जाएंगे, यहाँ पे आप वीडियो पे क्लिक करेंगे। जब आप वीडियो पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ये आपकी वीडियो आ गई, Facebook में डार्क मोड कैसे इनेबल करें, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे, पेंसिल के आइकन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से ऐड डिस्क्रिप्शन पे आपको क्लिक कर लेना होगा। यहाँ से आप अपनी वीडियो के बारे में, अपना चैनल का नाम, प्लस सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग है शॉर्ट्स, मतलब अपने डिस्क्रिप्शन में शॉर्ट्स लगाना मत भूलिएगा। आप शॉर्ट्स लिख दीजिए, उसके बाद शॉर्ट्स वीडियो आप लिख दीजिए, 110% आपकी वीडियो शॉर्ट्स में जानी ही जानी है, ठीक है। यहाँ पर अपने शॉर्ट्स वीडियो लिख दिया, ठीक। अब उसके बाद आपने चैनल के बारे में, अपना चैनल प्लीज सब्सक्राइब, जो भी आप डिस्क्रिप्शन में लिखना चाहें वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद सिलेक्ट ऑडियंस, ऐड, यहाँ पे ऐड टैग्स, आपको टैग्स भी जोड़ देना है। जैसे आप टैग्स जोड़ देंगे तो इससे क्या होगा कि कोई भी अगर सर्च करता है शॉर्ट्स वीडियो, तो आपकी वीडियो के चांसेस हैं कि आपकी वीडियो वहाँ पे शो करे। शॉर्ट्स हो गया, अब यहाँ पे हैशटैग शॉर्ट्स वीडियो लिख सकते हैं, शॉर्ट्स वीडियो यहाँ पे लिख देंगे, फिर उसके बाद शॉर्ट्स वीडियो लिख देंगे, इससे आपकी वीडियो भी वायरल हो सकती है। शॉर्ट्स वीडियो यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक। अब आपको क्या करना, सिंपल से अनलिस्ट पे क्लिक करके आपको यहाँ पब्लिक पे क्लिक करना, पब्लिक पे क्लिक करके आपको पब्लिक कर देना होगा, ठीक है। ये आपकी वीडियो पब्लिक हो गई, उसके बाद यहाँ पे हम पब्लिक पे कर देते हैं। उसके बाद आप थंबनेल लगाना चाहें तो आप इस पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं जो भी बेस्ट थंबनेल है इस वीडियो का, यहाँ पे देख सकते हैं जो भी बेस्ट थंबनेल आप वो थंबनेल लगा सकते हैं, वरना आप कस्टम थंबनेल पे जाएंगे, अपना थंबनेल लगा सकते हैं, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। थंबनेल आप जरूर लगा सकते हैं, ये आपका हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल से सेव के ऑप्शन पे क्लिक करके सेव कर देना, आपकी वीडियो 100% शॉर्ट वीडियो यूट्यूब शॉर्ट्स में जानी ही जानी है।